हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 648। दो ऐसा नंबर चाहिए, दोनों 3 का मल्टीपल होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल होना चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 648 आ जाए। तो हम एज्यूम करते हैं लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 बी एक्स एंड अदर मल्टीपल बी एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पहला मल्टीपल ये जो x है ये अगर 3 का मल्टीपल है तो इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो जो अगला नंबर होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। 3x लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, दोनों मल्टीपल को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 648। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 648, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 648 इधर आ जाएगा, माइनस 648 इक्वल टू 0। काफ़ी बड़ा नंबर आ गया, फिर से हम इसको वही तरीके से सॉल्व करेंगे। 648 ये हो गया 2 से 3, 2, 4, फिर 2 से करेंगे तो 1, 6, 2, 2 से ये हो गया 81 बार में, और 3 से चला गया 27 बार में, तो 2 2 4 2 8 3 24, ठीक है। इन चारों नंबर को अगर हम मिला देते हैं तो इन चारों नंबर से 24 बन रहा है और ये नंबर है 27, तो 27 और 24 के बीच में 3 का डिफरेंस आ गया, तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 24x माइनस 648 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन आ गया, x प्लस 27 माइनस 24 कॉमन आ गया यहाँ पर, ये भी हो गया x प्लस 27 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 27, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 27 और x इक्वल टू 24, x का दो वैल्यू आ गया। यहाँ भी हमें क्या चाहिए था, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 648। तो ये है 2 मल्टीपल्स आर, एक्स के जगह पे अगर हम 24 पुट करते हैं तो फिर 24 में 3 प्लस करेंगे तो अगला नंबर बन जाएगा 27, ठीक है। और अगर हम एक्स के जगह पे माइनस 27 लेते हैं, एक्स के जगह पे माइनस 27 लेते हैं, और तो माइनस 27 में 3 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 24, ठीक है। तो 24 इंटू 27 करेंगे तो भी 648 आ जाएगा, और माइनस 27 इंटू माइनस 24 करेंगे तो भी 648 आ जाएगा, और ये नंबर भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो दो पॉसिबल आंसर हो सकता है, दोनों 24 और 27 और माइनस 24 और माइनस 27। अगर इसमें अगर नेचुरल नंबर वर्ड यूज़ किया हुआ रहता या पॉजिटिव वर्ड यूज़ किया रहता तो हम नेगेटिव नंबर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो दोनों ही आंसर ओके है, दोनों चलेगा।